हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें हम लोग जा रहे हैं नीचे रोपे को शिमला मिर्च लगाने, तो वो मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है। मुझे भी नहीं पता वैसे, पर मैं आई विल शो यू टुडे। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि अभी हम लोग जा रहे हैं रोपे को, और रोपे के लिए सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ सामान है। तो मेरे पास छोटा सा सामान है, ये माइकोराइजा बायो फर्टिलाइज़र, और जिसमें वो रखना होता है हमने वो वाला कंटेनर, प्लस पानी की बोतल ले जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं करा रही ना, पता है मेरे को आता नहीं है। बाकी लोग सब लोग अपना अपना सामान उठा के ले गए हैं, कुछ लोग आगे चले गए हैं, और हम दो अभी यहाँ पीछे आपको दिखाती हूँ। साक्षी साक्षी की ड्यूटी लगी है इसको उठाने की, और ये इसमें क्या करना है, हमने नीचे जाएंगे नाले से पानी लाना है ना, क्योंकि चोआ देने के लिए, यानी कि पानी देने के लिए मिर्च को, तो फिर वो शायद पाइपलाइन इधर तक पहुंचेगी नहीं, तो पहले हम इसमें कलेक्ट करेंगे पानी, फिर इसमें से चोआ देने के लिए ले जाएंगे आके। और ये है हमारा रास्ता जो कि है बहुत जों मतलब बहुत ख़राब। बेटे जे मेरी ना तय लगना पता भी की जे थारे करा, तो फिर मैं यहाँ से चढ़ रही हूँ, और आपकी वीडियो के चक्कर में ना मैं लुढ़क भी सकती हूँ, आपकी नहीं मतलब मेरी इस वीडियो को खास हथियार दिखाना चाहती हूँ जो ये है, ये इसको बोलते हैं कुंशी हमारे यहाँ बिच्छू बुट्टी। इसको मैंने इसलिए हथियार बोला क्योंकि बचपन में मम्मी से पड़े हैं हमारे को बिच्छू बुट्टी के भी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक इंसान हेलमेट पहन के जा रहा है, इतना बड़ा, तो ऑब्वियसली मोटा दिमाग है तो मोटा सा हेलमेट भी पहनना पड़ेगा ना। ये अभी हम लोग पहुँचे नहीं है खेत में क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बांध की बांध के डाल है, बांध बांध की लकड़ी को ना एक क्या बोलते हैं, साक्षी कैसी होती है वो, कैसी होती है बांध की लकड़ी, कि मतलब बांध की लकड़ी का जो सेक होता है बहुत अच्छा होता है, हैंड सेक लगो, हैंड सेक लगो मतलब वो डाट की क्या लकड़ी बोलते हैं उसको यार, क्या उनको पता है कुछ नहीं है क्या बोलते हैं उसको, ये अच्छी लकड़ी बोलते हैं तो क्या कुछ ना बोलते हैं यार जिससे आग अच्छी जलती है, होता नहीं है बांध की बांधना के लगा बोलो ये लिए। हम पहुंच गए हैं रोपे में, और यहाँ लगे हुए हैं लोग काम में आप इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए आए हो क्या, तो क्या वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, ठीक से कर रहे हैं वो काम, हाँ कर ही रहे हैं फिलहाल, हाँ करना क्या चाह रही हैं भाभी जी, भाभी जी आपके ग्लव्स बहुत पसंद आए हमें, हम आपके ग्लव्स दिखाइए तो ब्यूटी पेजेंट शो में आए हैं जो आपको धूल नहीं लगनी चाहिए, वही तो धूल लग रही है भाभी को कूद खड़ी हुई। तो ये देखिए हमारी शिवानी जी, शिवानी ठाकुर जी खेत पे काम कर, खेत में काम करते हुए ये देखिए शिवानी ठाकुर जी घास ले जाते हुए, परे ओ जी हम परे नहीं जा सकते इसलिए हम यहीं से जूम करेंगे, देखा बताती है घास हम क्यों वहाँ जड़ से निकाल रहे हैं, ताकि जब हम शिमला मिर्च यहाँ लगाएंगे ना तो ये घास बाद में जब लंबा हो जाए तो उसके ऊपर ना चढ़े, हमने जड़ से ही उखाड़ दिया उसको ताकि वो हमारी फसल को खराब ना करे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारी शिमला मिर्च जो हमने लगानी है अभी, और हम इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ हम इक्वल डिस्टेंस में खोरू बना रहे हैं, खोरू गाय के लिए, ताकि सारी जो शिमला मिर्च जितनी भी हमारी लगे वो इक्वल डिस्टेंस पे लगे और कोई भी ऐसे ना हो मतलब अनइक्वल ना हो, उसके लिए हम खोरू बना रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं ऐसे बराबर लाइन खींच रही हूँ नीचे तक, क्या बोलते हैं इसको भाभी, इस लाइन में आने को फिर भूल गई मैं, खाड़ी 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 हाँ, और उसी को थोड़ा सा गहरा करवा दिखा कैसे कर रहे, मैं ऐसे एक लाइन बना रही हूँ नीचे तक, भाभी वाला दिखाओ हाँ, ये देखो आप ऐसे इसको थोड़ा सा दुगा कर रहे हैं मतलब डीप कर रहे हैं ताकि इसमें हम शिमला मिर्च लगा सकें, खाद डालने का है काम है यहाँ पे,
एक इंसान जो खोरू बना रहे हैं ये भी खोरू बना रहे हैं। जो खाद हम डाल रहे हैं इसमें वो ये है माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर। तो ये हम जितने भी हमने खोरू किए उसमें ऐसे डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी। एक चीज और मिली है मेरे को, मैं दिखाती हूँ आपको, टिकने वाला गुज्जा तो आपने बोला पटिकता भी यही जानता, वो तो टिकने वाला गुज्जा मतलब कहाँ क्या छलांग मारने वाला गुज्जा। इसको एक ऊब निकला इधर देखो, इसके ऊपर ना कांटे हैं तो क्या, तब इससे खरोखन लगती होनी, खारिश हो सकती है इससे, इसलिए मैं इसको दूर फेंक रही हूँ। तो इसके बाद इस तरह से शिमला मिर्च के पौधे हम जो खोरू हमने किए थे उनमें डाल देंगे। ठीक से चलो कुबड़ी हो जाओ शाम तक सीधी हो। कितने हो गए ये बिगड़ जाएगी इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। तो बाद यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा ऐसे फिक्स करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे पौधे सारे में लगा दिए हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा रही थी कि फाइनल ये जब लग जाते हैं तो उसके बाद कैसे दिखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और काम रहता है जो है चोआ देने का, मतलब पानी देने का शिमला मिर्च को। खाद वाले की ड्यूटी को रेस्ट है थोड़ी देर, क्योंकि अभी ये लोग और वो कर रहे हैं खोरू और खोरू कर रहे हैं। जब खोरू ज़्यादा जैसे हो जाएंगे, मतलब ये जो होते हैं थोड़े से, क्या आपको बहुत हंसी आ रही है? हेलो हेलो मैम, व्हाई आर यू लाफिंग एट मी हैं खोरू मास्टर, खोरू मास्टर हो आप ऑलराउंडर ऑलराउंडर जी, ऑलराउंडर जी, ऑलराउंडर का मतलब होता है एक काम करते हुए वो और जगह भी ध्यान दे सकता है भाई। ऐसे कैसे नुक्खा ऑलराउंडर हुआ? लेबर मिली है मेरे को कि ठेकेदार को भी खुद काम करना पड़ रहा है वो लेबर वाले पीछे भाई साहब, ऐसी सुस्त लेबर मिली है, वेरी स्लो। सही बात है, मैं देख सकती हूँ ये आपका दर्द ठेकेदार जी, हम समझ सकते हैं बिल्कुल। न्यूज चैनल में दी जाएगी आपकी न्यूज, ठेकेदार को करना पड़ा खुद काम, लेबर निकली काम चोर और लेबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ससा ये है। अच्छा तो ये है फाइनल स्टेप हमारा इसमें, जिसमें हमारे को पानी देना पड़ता है क्योंकि सूखा नहीं पड़ना चाहिए इसके केस में। ठीक है तो बस पानी देने वाला काम कर रहे हैं भाभी, अब मैं करती हूँ इसको। हम लोग एक खेत में भी शिमला मिर्च लगा के आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। भैया वगैरह रुके हैं कि वो खेत में उनको पानी डालेंगे, चोआ देंगे मतलब। और हम लोग, मैं साक्षी भाभी दोनों भाभियाँ हम लोग घर की तरफ निकल गए हैं। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आगे के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।